आप देखिए हमारे पास एल्क है और एन है क्या है एल्क है अपने पास और एन है इस एल्क के अंदर ये जो चीज़ है ये वर्ड रूट है और ये अपने पास वन डिग्री सफिक्स है और वन डिग्री सफिक्स है तो आपको ये भी पता होगा कि वन डिग्री सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता, हाँ, करता है आपकी हाँ वेरी गुड किसको रिप्रेजेंट करता है बॉन्डिंग कार्बन एटम की बॉन्डिंग को करता है कि उसमें सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है सभी जानते होंगे सी एच फोर यह कंपाउंड आपका मीथेन होता है ठीक है अगर मैं बोलूं आपसे सी टू एच सिक्स ये कंपाउंड आपका इथेन होता है अगर मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन को रिप्रेजेंट करूं तो इसको भी आप कहीं बता दोगे इसका नाम क्या होता है प्रोपेन क्या होता है प्रोपेन होता है ठीक है अगर मैं इसकी बात करूं, इसको भी बता दोगे आप क्या कंपाउंड का नाम होता है इसका बताओ हाँ वेरी गुड इसका नाम होगा आपका ब्यूटेन ठीक है अगर मैं बात करूं इस वाले कंपाउंड की इस कंपाउंड का नाम क्या होगा देखो वन कार्बन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट इसका नाम होगा आपका ऑक्टेन क्या होगा ऑक्टेन मतलब आप सभी का जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी नॉर्मल स्ट्रेट साइड पेरेंट चेन है तो उसमें आपको कोई दिक्कत ही नहीं है कि उसमें तो कोई साइड चेन मिलेगी ही नहीं आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम की क्या माननी है आपको पेरेंट चेन मान के चलनी है अगर मैं बोलूँ आपसे कि ऐसे 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 और मैंने ऐसे करते चला गया ठीक है आपको पता होगा कि कितने कार्बन बन रहे हैं यहाँ पर आपने बोला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोरटीन फोर्टीन को अपन क्या बोलते हैं फोर्टीन को बेसिकली आप बोलते हो यहाँ पर अन सॉरी टेट्राडेक टेट्राडेकेन, 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 सॉरी इसको अपन बोलते हैं यहां पर टेट्राडेकेन, ठीक है ये अपना टेट्राडेकेन होता है तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी बात कहाँ पे आती है जहाँ पर आपकी कॉम्प्लेक्स साइड चेन या फिर सिंपल साइड चेन किसी भी पेरेंट चेन के साथ इन्वॉल्व हो रही हो तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी फ़ेस करनी पड़ सकती है अब देखो मैं थोड़ा सा इसको कॉपी कीजिए स्क्रीन ले लीजिए आपने नहीं लिया तो आप देखो मैं आपसे कुछ यहाँ पे कंपाउंड्स ले रहा हूँ जिनके अंदर आपको पेरेंट्स एन यहाँ पे बतानी होगी तो पेरेंट्स एन देखते हैं कि आप बताते हैं या फिर नहीं बताते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल सी एच थ्री सी एच आगे कंटिन्यू किया मैंने ये सी एच टू और ये अपना सी एच थ्री फिर आगे कंटिन्यू किया सी एच टू सी टू और ये अपना सी थ्री ये अपने पास पहला कंपाउंड है दूसरा कंपाउंड मैं ले रहा हूँ आपके सामने मैंने बोला सी एच थ्री सी एच टू सी एच ऊपर कंटिन्यू किया मैंने सी एच टू सी एच थ्री आगे फिर कंटिन्यू किया यहाँ से सी एच टू फिर मैंने सी एच फिर नीचे किया मैंने सी एच टू सी एच टू फिर सी एच थ्री ठीक है स्टेट में गया मैंने यहाँ पर सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री ये अपने पास मैंने दो कंपाउंड लिए यहाँ पर इन दोनों कंपाउंड्स के अंदर आप देखोगे यहाँ पर कि जो फर्स्ट वाले में जो आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है वो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को देख के ही करोगे तो मैं इस स्टेट वाले को देखूँ तो वन टू थ्री फोर फाइव स्टेट वाले को अगर मैं पेरेंट्स इन सेलेक्ट करने जाऊँ तो कितने कार्बन आइटम्स हैं फाइव वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स जो अब मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ इसके अंदर आपके सिक्स कार्बन आइटम्स हैं इस वाली के अंदर ठीक है तो मैक्सिमम कार्बन आइटम्स ही आपको सेलेक्ट करने हैं अगर ये मैक्सिमम कार्बन आइटम के साथ ये पेरेंट चेन सेलेक्ट हुई है तो ये आपका सबस्टूडेंट या फिर साइड चेन के रूप में काम करेगा तो यहाँ पर जो पेरेंट चेन है आपकी वो कितने कार्बन की है सिक्स कार्बन की ठीक है सेकेंड एग्जाम्पल आपके सामने है इसके अंदर थोड़ा सा ट्राई कीजिए क्या होगा इसका देखो इसके अंदर आपने सोच लिया होगा अगर मैं इसको कंपेयर करने जाऊं तो वन टू थ्री फोर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन स्टेट वाली को करता हूँ तो मैं यहाँ पर नाइन कार्बन की पेरेंट चेन बन रही है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट एट बन रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और एक नाइन तो स्टेट वाली या फिर ये वाली तो स्टेट वाली में देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन बैठ रहे हैं अगर मैं इस वाली को भी कंसिडर करूँ तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन तो किसी वाली को अब आप सेलेक्ट कर लीजिए चाहे इस वाली को तो बेटर ऑप्शन क्या है मेरे पास कि मैं स्टेट वाली को ही पेरेंट चेन मान के चलूंगा तो मैंने ये आपकी पेरेंट चेन मान ली है स्टेट वाली जैसे ही मैंने स्टेट वाली पेरेंट चेन मानी है तुरंत ही आपके पास जो यहाँ पर सी एस टू सी एस थ्री है साइड चेन के रूप में काम करना स्टार्ट कर देगा तो ये पेरेंट्स चेंज सिलेक्शन का रोल होता है अभी ये बेसिक है आपका अगर मैं एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल दूसरा और कंसिडर करने जाऊँ तो आप थोड़ा सा उसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगी तो कन्फ्यूज़ होना नहीं है बट सोच के जो मैंने रूल्स बताए हैं उन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए आपको इन एग्ज़ाम्पल्स को यहाँ पे देखना है तो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल हम लेने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम्पल बेसिकली यहाँ पे लेते हैं मैं जो दूसरा एग्ज़ाम्पल कंसिडर करने जा रहा हूँ वो एग्ज़ाम्पल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थो, हो थोड़ा हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए सॉल्व करने में या फिर पेरेंट चैन को सिलेक्ट करने में तो उसका आप बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा कि एक्चुअली वो कह क्या रहा है और आ, मतलब उसके अंदर पेरेंट चैन कैसे आपको सिलेक्ट करनी है सो so, आपके पास एक कंपाउंड है बेसिकली आपका जो कंपाउंड है वो है सी एस थ्री सी एच टू यहाँ पर सी एच फिर नीचे आपका यहाँ पर सी एच टू फिर आपका यहाँ पर सी एच टू आगे कंटिन्यू किया तो मैंने यहाँ पर आपका सी एच थ्री मिल रहा है फिर स्टेट में आप चले गए तो यहाँ पर सी एच टू यहाँ पर सी एच यहाँ पर आपका सी एच टू यहाँ पर आपका सी एच टू और यहाँ पर आपका सी थ्री फिर आगे कंटिन्यू किया मैंने स्ट्रेट चेन को ही यहाँ पर सी एच टू और यहाँ पर सी एच थ्री इस कंपाउंड को बड़े ध्यान से देखो इस कंपाउंड के अंदर कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल होंगी तो पहला ध्यान जाता है आपका पहला ध्यान होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि स्ट्रेट चेन को एज ए पेरेंट चेन मान के चल लेते हैं और साइड चेन को यहाँ पर आ, वो नीचे वाली मान के चलते हैं जो सब के रूप में काम करती है लेकिन आई के जनरल ट्रेंड और रूल एंड रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये वोइलेसन होता है आई का तो ये बड़ा आपको अपोजिशन का सामना करना पड़ सकता है आपका पेरेंट चेन अगर गलत है तो आई तो आप हंड्रेड गलत करके ही आओगे ये गारंटी है तो अगर मैं स्टेट वाली को मान के चलता हूँ तो वन टू एंड थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन कार्बन की पेरेंट चेन बन रही है वहीं पर अगर मैं इस वाली को सेलेक्ट करूं इस वाली को अगर मैं सेलेक्ट करने जाऊं तो आप बड़े ध्यान से देखना कि कितने कार्बन एटम्स की यहां पर पेरेंट चेन बन रही है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन नाइन कार्बन की यहाँ पर पेरेंट चेन बन रही है और दो इथाइल यहाँ पर साइड चेन के रूप में काम कर रहे हैं दो साइड चेन है यहाँ पर ठीक है तो आपकी जो पेरेंट चेन कौन सी बनेगी जो मैंने यहाँ पे रेड से सराउंड किया हुआ है वही आपके यहाँ पे पेरेंट्स चेन बनेगी ठीक है तो ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है बस तो आपको सिलेक्शन बताऊँ क्योंकि ये रूल एक मिनट के अंदर ही बता सकता था लेकिन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स को और बेटा एक एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बड़े सोच सोच कर हमने कंसिडर किया है और इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू इन एग्ज़ाम्पल के थ्रू ही आपका जो बेस है आई का वो आगे इम्प्रूव होने में थोड़ा टाइम भी लगेगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है ठीक है तो इसको अपन इरेज कर देंगे तो अपन इसको इरेज करते हैं अब हम नेक्स्ट एक कंपाउंड और लेके चल रहे हैं जिसके अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और बताना है कि एक्चुअली वो क्या कह रहा है <coughs> देखिए जनाब मैं आपकी बार बाउंड्राइन नोटेशन को लेके चल रहा हूँ और इस बाउंडलाइन नोटेशन के अंदर नाइन कार्बन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन ये नाइन कार्बन है आपके पास और इधर के साइड थर्ड वाला कार्बन है थर्ड वाले कार्बन पर आपका ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है मुझे नहीं पता कि क्या है इसका नाम बट आप इसको जानते होंगे वहीं पर इधर की साइड से फोर्थ और एंड फिफ्थ फिफ्थ पर आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है वन टू थ्री फोर एंड फिफ्थ फिफ्थ पर भी आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ऐसा स्ट्रक्चर ठीक है अब बेटा आपको इस एग्जाम्पल के अंदर लाइन नोटेशन का एग्जाम्पल है और इवन मैं बात करूं इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है बस आपको क्या ध्यान रखना है कि पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन यहाँ पर इन्वॉल्व होंगे तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पे पेरेंट चेन की बात करूँ तो इधर की साइड से अपन नंबरिंग करते हैं तो स्टेट वाली के अंदर देखो मुझे कितने कार्बन मिलते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन अगर मैं स्टेट वाली को पेरेंट चेन कंसिडर करके चलता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे सामने नाइन कार्बन की पेरेंट चेन सेलेक्ट हुई है अच्छा जी वैसे तो आपको भी दिख रहा होगा कि कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है जहां पर हम पेरेंट चेन को कंसिडर कर सकें लेकिन एक बार देख लेते हैं कि कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है तो दूसरा हम जाते हैं थोड़ा सा तिरछा जो नीचे वाली जो साइड चेन है क्या वहाँ पर वो पेरेंट चेन बना सकती हैं इधर की साइड से देखो यहाँ से बोला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट नाइन से तो कम है तो ये पॉसिबल ही नहीं है यहाँ से देखते हैं एक बार दूसरा मार्क सेलेक्ट करता हूँ मैं सॉरी पेन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन चाहे आप इसको करो चाहे इसको करो दोनों में आपका सेम ही होगा क्योंकि इसके अंदर अगर मैं इसको सेलेक्ट किया हुआ हूँ तो ये साइड चेन के रूप में काम कर रहा है ये वाला साइड चेन के रूप में काम कर रहा है अगर मैं इसको पेरेंट चेन मान के चलूंगा तो ये साइड चेन के रूप में काम करेगा ठीक है वो तो बिल्कुल क्लियर होगा आपको कि दोनों का इफ़ेक्ट वही पड़ेगा तो आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर ओनली जो मैंने नंबरिंग की है ओनली जो मैंने नंबरिंग की है यहाँ पर वाइट मार्कर uh, से वही आपकी पेरेंट चेन का भूमिका निभाएगी और दोनों साइड चेन आपकी रहेंगी तीसरे और पांचवें कार्बन पर उपस्थित ठीक है तो हम एक बार इसको सर्किल कर देते हैं सर्किल करने के लिए यहाँ पर ऐसे यूँ ऐसे यूँ ये 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 आपके क्या हैं आपके स्टेट चेन सॉरी ये दूसरा मार्ग सेलेक्ट कर लिया चलो छोड़ो रहने दो ये अपने पास ये अपने पास स्टेट चेन की क्या है पेरेंट चेन एक एग्ज़ाम्पल और देखते हैं जो थोड़ा सा आपके लिए मुसीबतें खड़े कर सकता है तो एक एग्ज़ाम्पल और लास्ट उसके बाद आप सीख जाओगे अगर आपने ये एग्ज़ाम्पल ले लिया कर लिया तो आप सीख जाओगे बता पाओगे कि मेरे पास कौन सा यहाँ पर साइड सीन बनेगी या फिर नहीं बनेगी तो एग्ज़ाम्पल है आपका बहुत अच्छा सुंदर सा अच्छा सा और बेहतरीन सा चलिए देखते हैं क्या है इस एग्ज़ाम्पल के अंदर मैंने यहाँ पर सॉरी सी एस थ्री लिया आगे कंटिन्यू किया सी एस टू से सी एस थ्री सी एस टू फिर सी एच फिर आपका सी टू फिर आपका सी एस टू हो गया फिर आपका यहाँ पर सी एच फिर आपका यहाँ पर सी एच टू और फिर आपका यहाँ पर सी थ्री मतलब स्टेट चेन के अंदर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन कार्बन है स्टेट वाली के अंदर अब यहाँ पे सी एच है तो कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो मामला है और मामला कुछ ऐसा है कि यहाँ पर है सी टू आगे कंटिन्यू किया मैंने यहाँ पर सी थ्री इस वाले कार्बन पर भी कुछ कलाकारी दिखाई होगी तीसरे वाले कार्बन पे आपका यहाँ पर प्रेजेंट है सी एच इधर की साइड आपका सी एच थ्री और ऊपर की साइड फिर लगा हुआ है सी एच थ्री ये हमारे पास एक कंपाउंड है इस कंपाउंड के अंदर आपको कार्बन चैन पेरेंट चैन सेलेक्ट करनी है तो इस पेरेंट चैन को कैसे सिलेक्ट कर पाओगे आप कैसे सिलेक्ट नहीं कर पाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है तो अगर मैं इस्टेट वाली को मान के चलूँ पेरेंट चेन तो अपन इस्टेट वाली को पेरेंट चेन मान के चलते हैं तो आपको भी पता होगा कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं अच्छा जी सेवन कार्बन एटम्स हैं और इस सेवन कार्बन एटम्स के अंदर मुझे जो साइड से नज़र आ रही हैं वो नज़र आ रही है मेरे को एक तो ये नज़र आ रही है और दूसरी ये वाली नज़र आ रही है ठीक है इस वाली के अंदर क्या कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है सर हम इसको सेलेक्ट करें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन इधर की साइड सेवन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन बहुत सारे मेरे को सेवन कार्बन की क्या मिल रही है यहाँ पर पेरेंट चेन मिल रही है तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि सेवन कार्बन की पेरेंट चेन है अपने पास ठीक है साइड चेन का मामला अटक सकता है वो अटक रहा है अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे देख लीजिए बिल्कुल क्लियरली जो मैं अब सेलेक्ट करने जा रहा हूँ मैंने आपसे इसलिए ही बोला था कि बड़े ध्यान से करना इसे मैंने अगर स्टेट वाली मानी है तो मेरे को यहाँ पर दो साइड चैन नज़र आएंगी लेकिन तीसरी भी यहाँ पर कुछ पॉसिबल है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ तो देखिए कौन सी है अपनी मैंने यहाँ पर ये वाली कुछ इस टाइप की आपकी ये चेन सेलेक्ट की है अगर मैंने ये चेन सेलेक्ट की है पेरेंट चेन के रूप में तो मेरे को यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है एक साइड चेन ये दूसरी साइड चेन ये और तीसरी साइड चेन ये मतलब सेवन कार्बन की पेरेंट चेन और दो यहाँ पर तीन सॉरी तीन साइड चेन अवेलेबल हैं ये हमारा पेरेंट चैन सिलेक्शन का रूल भी कहता है अगर मैं ऊपर आपको दिखाने जाऊं तो ये बोल रहा है क्लियरली सेकंड पॉइंट की कार्बन विच क्या बोल रहा है कार्बन सॉरी कार्बन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम एज वेल एज द मैक्सिमम पॉसिबल साइड चैन मतलब उसमें पेरेंट चैन के साथ साथ साइड चैन भी मैक्सिमम होनी चाहिए ठीक है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको पता भी चल गया होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको और यहाँ पर ये क्यों एज ए पेरेंट चेन सेलेक्ट हुई है जो मैंने रेड मार्कर से अंडरलाइन कर रखी है ठीक है तो ये क्वेश्चन ये पूछेगा तो खैर आपसे कोई नहीं बट आपको ये ध्यान रखना है कि एक्चुअली जो पेरेंट चेन होती है वो कैसे सेलेक्ट होती है और क्या उसका रोल होता है ठीक है अब देखो हम आगे नेक्स्ट फिर देख रहे हैं सॉरी इसे रेज कीजिए यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया ऐसे ही हूँ डिलीट फिर आगे किया आगे करने के बाद में अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो चलने वाला है जिसको अपन बोलते हैं नंबरिंग रूल नंबरिंग रूल भैया ये क्या चीज़ है ये क्या बीमारी है ये तो आप खैर आपको अभी पता चल जाएगा लेकिन बड़े ध्यान से सुनना है आपको कि नंबरिंग रूल क्या होता है पेरेंट चेन के बाद जो रोल नंबर सेकंड आता है वो आता है नंबरिंग का कि हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट जो कर ली है उसमें लेफ़्ट से नंबरिंग करनी है या फिर राइट right से नंबरिंग करती है वैसे हम इस लेक्चर को एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं और इवन आपने टेंथ स्टैंडर्ड के अंदर इन बेसिक चीज़ों के बारे में तो पढ़ ही लिया होगा कि नंबरिंग किधर की साइड से की जाती है जहाँ से आपकी साइड से इनको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए अप टू टेंथ तक ये आपकी लिमिटेशन थी लेकिन यहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कुछ आइडियाज़ कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन के रूप में काम करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टेंथ स्टैंडर्ड तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर भूल के चल चलना है जो आपने पढ़ा था टेंथ स्टैंडर्ड में कहीं आप उन्हीं रूल्स को यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर दो कि भैया हमने तो एक दिन में आई यू सीख ली थी ये हमें दस दिन में बीस दिन में आई यू कौन सिखाने जा रहा है तो ये एडवांस लेवल की है अगर आप नहीं सीखना चाहते एडवांस अपना इम्प्रूव नहीं करना चाहते तो आप बेशक इस लेक्चर को स्किप कर सकते हैं आप किसी दूसरे अल्टरनेट मेथड से स्टडी करिए तो बेटा देखो नंबरिंग रूल के अंदर नंबरिंग वहाँ से करूँगा बिल्कुल क्लियर मैंसन है नंबरिंग ऑफ ए पेरेंट्स एंड फ्रॉम देट एंड विच वी गेट लोवेस्ट लोकेंट नंबर ये ध्यान रखना कि लोवेस्ट लोकेंट नंबर होना ज़रूरी है अच्छा ये लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है देखो जनाब लोवेस लोकेंट नंबर क्या कहता है ये कुछ कहता है इस टाइप से कि मान के चलो मेरे पास एक लोकेंट सेट बना टू थ्री सिक्स वाला और दूसरा बना टू फोर सिक्स तो इसमें कौन सा सलेक्शन आपके लिए राइट होगा ऊपर वाला या फिर नीचे वाला तो आपको ये देखना है कि टू थ्री सिक्स क्वैसे कोमा के साथ ही एडजस्ट है लेकिन यहाँ पर कौन सा संख्या सबसे छोटी है वो आपको यहाँ पे राइट सिलेक्शन के रूप में लेना है जो बड़ा है वो आपको रोंग करके के चलना है वो आप सिलेक्शन नहीं कर सकते ठीक है वैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप को समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या इन चीज़ों का मतलब है 236 और 246 मींस आपका ऊपर वाला राइट नीचे वाला रॉन्ग 225 226 ऊपर वाला सही नीचे वाला गलत दो सौ नीचे वाला सही ऊपर वाला गलत यह सिलेक्शन हो गया बस आपको पता है कि इतनी तो आपको पता ही होगी खैर अगर आप इवन मैथमेटिक्स भी नहीं जानते होंगे तो काउंटिंग तो शायद जानते ही होंगे ठीक है तो बेटा क्या मतलब है इन चीजों का आइए देखते हैं अब मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहा हूं जिन एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि ये पॉइंट रूल नंबर सेकंड है क्या चीज़ और ये हमसे क्या कहलवाना चाह रहा है और इसका क्या योगदान है आई यू के अंदर देखिए जनाब मैंने कोई एक कर कंपाउंड ले लिया आपके सामने लाइक कंपाउंड यहाँ से ऐसे सेलेक्ट किया कंपाउंड ले लिया मैंने यहाँ पर सी एच थ्री ठीक है सी एच थ्री नहीं लिया खाली सी एच टू आगे कंटिन्यू किया मैंने सी एच फिर यहाँ पर एक साइड चेन लटकी हुई है सी एच थ्री मिथाइल के रूप में आगे कंटिन्यू किया सी एच टू फिर यहाँ पर सी एच टू फिर आपका यहाँ पर सी एच थ्री सभी को पता है कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम की जो पेरेंट चेन बनेगी वो आपकी स्टेट वाली ही बनेगी ये तो सभी को पता है कि स्टेट वाली बनेगी बिकॉज स्टेट वाली चेन के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो प्रेजेंट हैं कितने सेवन कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सॉरी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स कार्बन है सॉरी बिल्कुल सिक्स कार्बन है अब मुझे यहाँ पर ये दे देखना है कि जो इस साइड चेन लटकी हुई है इसको कम से कम नंबर मिलना ज़रूरी है तो आप कम से कम नंबर देना चाहोगे तो किधर की साइड से देना आपको अगर मैं लेफ़्ट से राइट right के टुवर्ड्स जाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो नंबरिंग होगी वो आपकी तीसरी पर आएगी वो तो आपको दिख भी रहा होगा वो बोलोगे सर दिख रहा मुझे वन टू थ्री फोर फाइव एंड ये सिक्स दिख रहा है अगर ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है तो यहाँ पर तीन आपका छोटा नंबर है वहीं पे अगर मैं राइट टू लेफ़्ट जाऊँ तो मेरे को पता चलेगा यहाँ पर जो नंबरिंग होगी आपकी वो इस टाइप से होगी वन टू थ्री एंड ये फोर और ये फिफ्थ और ये सिक्स अब आपकी साइड से किस नंबर पर आ रही है फोर्थ पर मेरे को ये देखना है कि राइट right सिलेक्शन कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा क्लियरली बोल रखा है कि लोवेस्ट लोकेट नंबर उसको मिलना चाहिए तो यहाँ पर आपका थ्री आपका लोवेस्ट नंबर है फोर आपका नहीं मतलब नंबरिंग कहाँ से होगी आपकी लेफ्ट से लेकर राइट ठीक है ये तो एक कंपाउंड वो हुआ जिसके अंदर आपको एक ही साइड चेन देखने को मिल रही है वो कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं आइए उसके टू नजर दौड़ाते हैं लेकिन उससे पहले आपको जानना होगा कि साइड चेन की नेमिंग कैसे होती है और इस साइड चेन की नेमिंग को हम समझाने जा रहे हैं जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा एल्केन और एल्केन से बनने वाला एल्काइल, ठीक है सभी जानते हैं कि जो एल्केन होता है अपने पास उसका जो जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास सी एन एस टू एन प्लस के टू ठीक है सी एन एस टू एन प्लस के टू होता है सी एन यहाँ पर कार्बन का नंबर एस टू एन मतलब एन जो आपने सेलेक्ट किया है कार्बन का नंबर उसका डबल कर देना है हाइड्रोजन का नंबर हो जाएगा प्लस का टू और जोड़ देना है हाइड्रोजन के अंदर लाइक like मैं बोल रहा हूँ आपसे अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दे रहा हूँ मैं अगर कार्बन मेरे पास है एक कार्बन तो एक कार्बन हाइड्रोजन एक का डबल कर देना है तो डबल हो गया प्लस के इसमें दो और जोड़ देना है तो यहाँ पर सी एच फोर बन गया ठीक है आपको आपको समझ में आ गया होगा वैसे जानते होंगे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है इसको अपन कर देते हैं क्लियर अच्छा इस कंपाउंड इस जनरल मोलिकुलर फार्मूला के अंदर से मुझे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जब मैं एल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन को घटाऊँगा मतलब माइनस करूँगा मैंने क्या कर दिया यहाँ से एक हाइड्रोजन को घटा दिया तो हमारे पास एक हाइड्रोजन घटेगा तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा एस टू एन माइनस के वन बनेगा नहीं बनेगा सॉरी प्लस का वन बनेगा नहीं बनेगा बनेगा तो हमारे पास ये है एल्केन और एल्केन के अंदर से जब एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाता है तो बनता है एल्काइल क्या बनता है एल्काइल अभी बातें आपको समझ में नहीं आई आए होंगी आइए देखते हैं मैं बोल रहा हूँ आपसे भैया कि मेरे पास है मिथाइल क्या है मिथाइल मिथाई सॉरी मीथेन ये मीथेन है आपका और इस मीथेन को तो सभी जानते होंगे मार्स गैस इसका क्या है ट्रिविल नेम के अंदर हमने पढ़ा था इसके अंदर से एक हाइड्रोजन में गायब करूंगा तो सी एच थ्री बनेगा और कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी तो मीथेन से देखो आपको मीथ तो रखना बिल्कुल सेम क्योंकि एल्क से एल सेम हुआ है वहाँ पर ऊपर तो एल्क कार्बन नंबर ही होता है तो एल्क मैंने रख लिया मीथ ही उसके बाद एन को हटाकर मुझे यहाँ पर वाई एल एड ऑन कर देना है अगर वाई एल जुड़ा हुआ है तो ये ध्यान रखना कि ये वन साइड से इसकी जो बैलेंसी है वो क्या है आपकी फ्री है ठीक है और देखो अगर मैं आपसे पूछूं अब कि भैया मेरे को बताना अब कि जनाब मेरे पास है सॉरी सॉरी मांग रहा हूँ है ना <laughs> चलो ठीक है देखते हैं मैं बोल रहा हूँ आपसे सी एच थ्री सी एच थ्री सभी जानते हैं ईथेन का फॉर्मूला है और इस ईथेन के अंदर से एक हाइड्रोजन में गायब करता हूँ तो मेरे सामने सी एच थ्री सी एच टू और एक वैलेंसी फ्री मिलती है मुझे मिलती है नहीं मिलती है अब देखो इससे इथेन से क्या बनेगा इत को सेम रखा और वाई एल एड ऑन कर दिया क्योंकि यहाँ पर अब ये सबस्टेंट के रूप में काम करेगा और यहाँ पर ये इथाइल का नाम बोला जाएगा ठीक है इसी टाइप से मेरे पास कोई प्रोपेन है अब प्रोपेन की कंडीशन और ब्यूटेन की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है इसको ध्यान रखना आपको पहले इसको अपन इरेज कर देते हैं यहाँ से ताकि आपको आगे हम प्रोपेन वाली कंडीशन समझा सकें देखो भैया सभी जानते हैं प्रोपेन अपने पास सी एच थ्री होता है सी एच टू होता है और ये सी एच थ्री होता है सभी जानते हैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है हाँ इसके अंदर आपको ये भी पता होगा कि जो ये वाले कार्बन हैं ये आपका वन डिग्री कार्बन है ये आपका टू डिग्री कार्बन है क्योंकि दोनों साइड से सराउंडेड किससे टू कार्बन एटम से ये आपका वन डिग्री है अब मेरे पास दो कंडीशन है पहली कंडीशन तो ये है कि मैं वन डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करूं और दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास कि मैं टू डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करने जाऊं तो मैं क्या करता हूं यहां पर मैं करता हूं वन डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव चाहे आप यहाँ से करें यहाँ से करें यहाँ से करें या फिर यहाँ से करें दोनों आपकी सेम ही दिखेगी क्योंकि इधर की साइड से करोगे तब भी सी बनेगा इधर की साइड से करोगे तब भी सी ही निकल के सामने आएगा ये अपने पास कंपाउंड है सभी को पता है प्रोपेन क्या नाम है इसका प्रोपेन प्रोपेन से देखो मेरे पास सी एच थ्री सी एच टू आगे कंटिन्यू किया सी एच टू और ये वैलेंसी फ्री देखो ये स्टेट चेन बन रही है और स्टेट चेन के लिए ध्यान रखना हमेशा कि आपका जो नाम वर्ड यूज किया जाता है वो वर्ड यूज किया जाता है नॉर्मल और जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है थीके? ये आपके पास एन हो गया तीन कार्बन को अपन बोलते हैं प्रोप और प्रोपेन से हमें क्या हटाना है यहाँ पर वाई एल लगा देना है लग गया तो नाम क्या बन गया आपके पास एन प्रोपाइल बन चुका है अच्छा बन चुका है ये तो आपको समझ में आ चुका है खैर आगे देखिए आगे जनाब मैं दूसरा काम ये कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो सी एस टू है इससे मैं एक हाइड्रोजन हटा रहा हूँ तो सी एस रहेगा आपका और इधर की साइड से आपका एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी इधर की साइड से आपका सी एस थ्री जुड़ा होगा और इधर की साइड से आपका सी एस थ्री जुड़ा होगा ठीक है एक वैलेंसी फ्री होगी तो ये चीज़ तीन ही इसमें क्या है कार्बन है साइड चेन भी बन रूप में काम कर रही है लेकिन यहाँ पर अब की बार जो कार्बन से हाइड्रोजन हटाया गया वो दूसरा कार्बन है और यहाँ पर जो इसका नाम बनता है वो नाम बनेगा आपका इसका कुछ ये वाला कौन सा वाला ये वाला नाम बनेगा इसका आइसो और इसको अपन बोलते हैं प्रोपाइल जहाँ पर भी ये ग्रुप आपको दिख जाए ये वाला तो ये समझ लेना कि वो आइसो वर्ड के रूप में काम करवाएगा आपसे आइसो प्रोपाइल के रूप में किसके रूप में आइसो प्रोपाइल के रूप में काम कराएगा ये भी ध्यान रखना अगर मेरे पास वन डिग्री है तो इसको अपन एन से करता है जबकि अगर टू डिग्री कार्बन है से रिमूव किया गया है तो उसको सेकेंडरी अगर मेरे पास थ्री डिग्री कार्बन से रिमूव किया गया है तो उसको टर्सरी बोलते हैं टी से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक आई बात समझ में इसको एक बार कॉपी कर लीजिए फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं कर लिया ठीक है अब आगे कंटिन्यू करते हैं ये तो बात हो गई किसकी भैया प्रोपेन की प्रोपेन एक ही तरीके से लिखा जाएगा आपको पता है कैसे भी लिख लीजिए प्रोपेन एंड प्रोपेन ही बनेगा कोई दूसरा आयस वगैरह का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास तो अब बात आती है ब्यूटेन की किसकी बात आती है ब्यूटेन और ब्यूटेन वाले केस के अंदर आपको थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अगर आपने आयु पीढ़ी तो आपसे पहले कोई नाम नहीं सुना है काम नहीं सुना है तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा लेकिन हम अजीब होने नहीं देंगे तो क्यों नहीं होने देंगे आइए हैं सभी जानते हैं कि मेरे पास जो प्रोपेन लिखा जाएगा वो दो तरीके से लिखा जाना चाहिए चाहिएगा मतलब मतलब समझ रहे हैं ना आप हाँ जी तो मैं इसको थोड़ा सा कर्शर को कर लेता हूँ साइज से थोड़ा सा कम और अब देखते हैं अब देखते हैं हम प्रोपेन सॉरी ब्यूटेन लिख के ब्यूटेन भैया सी एस थ्री सी एस टू आगे कंटिन्यू किया सी एस टू और यहाँ पर सी एस थ्री यही आपका एनब्यूटेन बनता है क्या नाम है इसका एनब्यूटेन अब देखो यहाँ पे जो कार्बन्स हैं यहाँ पे जो कार्बन्स हैं आपके वो वन डिग्री भी है टू डिग्री भी है और थ्री डिग्री भी नहीं है कौन सा है वन डिग्री है खाली कौन सा वन डिग्री और टू डिग्री है तो वन डिग्री और टू डिग्री आपको पता होगा ये कौन से डिग्री वन डिग्री ये कौन सा टू डिग्री ये कौन सा टू डिग्री ये कौन सा वन डिग्री मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं दोनों साइड से वन डिग्री को भी हटाऊं यहाँ से और टू डिग्री को भी हटाऊँ तो क्या हमारे सामने साइड से निकल के आती है एन ब्यूटेन से या आपका जो कंपाउंड का नाम है वो क्या है आपका एन ब्यूटेन एन क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सेकंड ऑप्शन है एन ब्यूटेन का वो है आइसो ब्यूटेन वो आइसो ब्यूटेन कैसे है वो ऐसे है अगर मैं आपको अभी बताने जाऊँ तो वो कैसे है भैया ऐसे है जैसे मैंने बोला सी एस थ्री आगे कंटिन्यू किया सी एच यहाँ पर सी एस थ्री लटका दिया इधर की साइड मैंने सी एस थ्री लटका दिया तो बन गया ना भैया अपना कौन सा कंपाउंड आइसो ब्यूटेन लेकिन इसको बाद में देखेंगे इससे भी हमारे पास दो टाइप के कंपाउंड्स ही फॉर्म होंगे वो कौन से होंगे अभी हम दोनों को देख लेंगे ध्यान से ठीक है तो अपन डिस्कस करते हैं ऊपर वाले को और नीचे वाले को बाद में ये अपने पास कौन सा है आइसो ब्यूटेन कौन सा है आइसो ब्यूटेन तो है मानो थोड़ा सा बड़े ध्यान से देखना आइसो ब्यूटेन और एन ब्यूटेन से कैसे साइड से निकलती हैं बाहर देखें भैया देखें हाँ चलो ठीक है मैं वन डिग्री कार्बन से अगर ये निकालने जाऊँ तो मेरे पास कंपाउंड सी एस थ्री सी एस टू आगे कंटिन्यू किया सी एस टू और ये आपका सी एस टू और ये वैलेंसी फ्री ऐसा बनेगा अगर मैं टू डिग्री से निकालने जाऊँ तो सी एस थ्री सी एच टू यहाँ से आपका सी एच और ये वैलेंसी फ्री और यहाँ पर सी एस थ्री बोलो ऐसा ही कंपाउंड समझ में आएगा अच्छा ठीक है तो देखो जनाब मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी हैं बाकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अगर आपको तीसरी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही हो तो मेरे को थोड़ा सा बताने का कष्ट कीजिए ताकि मैं भी सीख जाऊँ लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है आप नहीं बता सकते तो नहीं बता सकते तो आइए देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है हुआ कुछ ऐसा है कि यहाँ पर अपने एक चीज़ मानी थी एनब्यूटेंट इस एन ब्यूटेन से मुझे यहाँ पर ये कंपाउंड मिला है और ये स्टेट चेन के रूप में काम करने को मिल रहा है आपको तो ये नॉर्मल बन गया आपका ब्यूट उसके बाद ये साइड चेन के रूप में है तो एन को हटाकर मैं वायल लगा देता हूँ नहीं लगा देता तो ये बन गया अपने पास एन ब्यूटाइल मतलब एन ब्यूटेन से क्या बन गया एन ब्यूटाइल अच्छा <coughs> ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन देख रहे हैं आप इधर की साइड से देखो दूसरा है वन टू दूसरा दिख रहा है ना आपको हाँ जी बिल्कुल दूसरा दिख रहा है तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी क्या बोलते हैं सेकेंडरी जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे इसे क्योंकि ये चार कार्बन का है और सेकेंड कार्बन पर क्या है आपका यहाँ पर साइड चेन के रूप में काम कर रहा है देखो आइसो बेसिकली वर्ड कोई साइड चेन के रूप में नहीं है कभी तुम सोचने ले जाओ कि सर यहाँ पर भी तो हमें सेकेंडरी सेकेंडरी लगाना चाहिए था इससे रिप्रेजेंट करना चाहिए था तो बिल्कुल नहीं यहाँ पर आपको आइसो वर्ड ही यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पर कोई साइड चेन के रूप में नहीं काम कर रहा है सेकेंडरी बुटाइल तब काम लेना आपको जब वो साइड चेन के रूप में काम करेगा तो साइड चेन आपको इसमें नहीं दिख रही होगी आपको आंखें भी नाक भी त्वचा भी सब सब कुछ आप आपने देख भी रहे होंगे तो नेक्स्ट अपन नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि आइसो ब्यूटेन के अंदर से क्या साइड चेन क्या सबस्टूडेंट्स निकल के सामने आते हैं वो हम देखते हैं अब तो देखते हैं जनाब क्या है क्या नहीं है माजरा माजरा कुछ ऐसा है कि मेरे पास वन डिग्री कार्बन थ्री डिग्री कार्बन प्रेजेंट है अगर मैं बात करूं इस वाले भैया की इस वाले भैया की बात करते हैं अपन इसको एरेज किया ऐसे और यहाँ से हमने दूसरा मार्कर का कलर सेलेक्ट किया ये अपने पास वन डिग्री ये अपने पास वन डिग्री ये भैया तीन डिग्री वाला और ये वन डिग्री वाला मेरे पास दो कंडीशन है ऊपर वाली कंडीशन कौन सी थी कि माइनस के वन डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव किया दूसरी कंडीशन माइनस के टू डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव किया यहाँ पर एक कंडीशन तो ये है कि वन डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करो दूसरी कंडीशन यह है कि मैं तीन डिग्री हाइड्रोजन को रिमूव करूं करते हैं रिमूव वन डिग्री कार्बन को जैसे ही आपने यहां से रिमूव किया तो कुछ हुआ क्या हुआ जनाब यहां पर कुछ हुआ यहां पर आपका सी एस थ्री सी एच एस रहा यहां से सी एस थ्री फ्री और ये सी एस थ्री ठीक है अब देखो वैलेंसी कहाँ से फ्री हुई है वैलेंसी फ्री हुई है आपकी सॉरी सॉरी गलत हो गया गलत कहाँ से हुआ यहाँ पे तीन नहीं भैया यहाँ पे आने चाहिए दो और ये वैलेंसी फ्री दिखानी है देखो सी एच टू है सी एच है और ये सी एच है अब इस ग्रुप को मैंने कहीं बताया था अब से पहले जी सही समझ रहे हैं आप इस ग्रुप को अभी मैंने डिस्कस किया था इस वाले ग्रुप को प्रोपेन वाले के अंदर क्या था ये आइसो क्या था आइसो आइसो तो है ही बिल्कुल आईसो वर्ड है आपका तो आइसो में आपने ये सुना होगा तो ये आइसो क्या बन जाएगा ब्यूटाइल क्या बन जाएगा आईसो ब्यूटाइल ये बन गया आपका आईसो ब्यूटाइल बन गया अच्छा जी अब दूसरी कंडीशन क्या है मेरे सामने दूसरी कंडीशन ये है कि मैं इस कार्बन के अंदर से जो एक हाइड्रोजन है इसके पास उसको हटाने जाऊं तो मेरे सामने जो स्ट्रक्चर निकलेगी वो कुछ इस टाइप की निकलेगी सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री और ये वैलेंसी फ्री होगी ना वैलेंसी फ्री अच्छा जी तो ये देखो आपका सेकेंडरी नहीं है अब की बार ये साइड चेन के रूप में काम कर रहा है ये कार्बन और इस कार्बन से एक दो और एक तीन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है इसके ऊपर तो ये थ्री डिग्री हो गया और थ्री डिग्री को अपन क्या बोलते हैं बताओ हाँ जी थ्री डिग्री को अपन बोलते हैं टर्सरी क्या बोलते हैं टर्सरी इसको आप टर्ट बोलो या फिर आप इसको टी से रिप्रेजेंट करो और उसके बाद क्या लिख देना हमें यहाँ पर ब्यूटाइल तो ये आपके पास दोनों कंडीशन बनी है किससे आपकी ब्यूटेल से किससे बनी है ब्यूटेल से तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका ताकि हम आगे कंटिन्यू कर सकें और देख सकें कि क्या है क्या नहीं है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पटाख से ले लिया तो हाँ ये अपने पास था कि ब्यूटेन से आपके पास चार टाइप की सब्सटूडेंट चार टाइप की साइड सेंस निकल रही थी जिनको हमने यहाँ पर देख लिया है ये रूल जो सिखाए जा रहे हैं ये केवल आपको आर ए स्टडी जोन के अंदर ही मिलेंगे और जो भी हमने यहाँ पर मेहनत के थ्रू एग्जाम्पल्स को क्रिएट किया है और सिक्वेंस बाई सिक्वेंस हर चीज़ को आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे फेसबुक पेज आर ए स्टडी जोन को सब्सक्राइब करिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पुराने हैं तो कुछ मत करिए आपको वीडियो वॉच करनी है मैं लाइक करने के लिए नहीं बोल रहा आप लाइक कीजिए वो करिए वो करिए ये तो दूसरे यूट्यूबर्स का काम होता है हम अपनी कंटेंट अगर आपको लगता है कि हम जो यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपके लिए बेटर है सुइटेबल है आपके आत्मविश्वास में काम आ रहा है आपका जो चाहते हैं वो चीज़ हम डिलीवर कर पा रहे हैं आपके लिए तो आप ही करोगे जो कुछ करना है आपको मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा तो ये सब जो फालतू की बकचोदी है इसको बंद करते हैं टॉपिक पे आते हैं अपन टॉपिक क्या कह रहा है अपना नेक्स्ट वो बोल रहा है चिल्ला चिल्ला करके फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेफिक्स के रूप में काम करेगा कुछ तो वो कुछ इस टाइप से होगा तो देखते हैं अब कुछ पॉइंट यहाँ पे इन्होंने बोले हैं इसको तो तुमने कॉपी कर लिया होगा अब इसको अपन उड़ा देते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके ऐसे यूँ ऐसे यूँ ऐसे यूँ ऐसे यू अपन डिलीट किए यहाँ से और हमारी स्लाइड खाली हो चुकी है ठीक है ऊपर जाते हैं ये एल हो गया ये समझा दिया मैंने सब कुछ जी हाँ बिल्कुल अब देखिए यहाँ पे इसने बोला है क्या बोला भैया बोला 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 इसने कुछ बोला है क्या बोला है ये आपके सामने भी है क्या बोला भैया इसने कुछ ये देखो इसने बोला है भैया फंक्शनल ग्रुप विच प्रेफिक्स आर रिटर्न विच प्रेफिक्स आर रिटर्न दीज आर कंसिडर्ड एज ए साइड चेन और सबस्ट्रेंट ठीक है अगर ये प्रेफिक्स के रूप में काम करेंगे तो इनको एन ओ टू है तो इसको नाइट्रो बोलेंगे एन NO ओ है तो इसको अपन क्या बोलते हैं एन NO ओ की जो स्ट्रक्चर होती है बेसिकली जो कुछ इस टाइप की होती है देखो बच्चा लोगो एन डबल बॉन्ड ओ इस टाइप से होती है एन NO ओ की स्ट्रक्चर इस, इस टाइप से होती है नाइट्रो से बोलते हैं इसको अगर मेरे पास ये हेलो है तो जैसे आपका फ्लोरो हो गया क्लोरो हो गया ब्रोमो हो गया आइडो हो गया आर ओ आर इसको आ, ओ आर को बोलते हैं अपन एल्कोक्सी है, ये अपनी ईथर्स की नेमिंग के अंदर डूरिंग देखेंगे हाँ वहीं पर डिस्कस करेंगे इसको ये तो मैंने वैसे ही डाल दिया यहाँ पर आपका ये ऐसा बन रहा है बॉन्ड यहाँ पर छूट गया तो ये जो चीज़ है इसको अपन ईपोक्सी बोलते हैं कैटेगरी ये साइक्लिक ईथर होता है आपका साइक्लिक ईथर होता है आपका ठीक है वहीं पर डिस्कस करेंगे कोई दिक्कत नहीं है तो अब नेक्स्ट बोल रहा है आपसे फोर रिटर्न इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये भी ध्यान रखना आपको कि कोई भी कंपाउंड का जो नाम होगा वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखना आपको कर मान के चलो आपको ब्रैफिक्स यहाँ पर दो हैं एक तो ब्रोमो है और दूसरा क्लोरो है क्योंकि ब्रोमीन को आप ब्रोमो वर्ड के रूप में यूज करोगे दूसरा आपका क्लोरीन को क्लोरो वर्ड के रूप में यूज करोगे ठीक है तो क्लोरो और ब्रोमो के अंदर अगर मैं अल्फाबेटिकल कंपेरिजन के टू वर्ड्स तो क्लोरो का सी बाद में आता है और ब्रोमो का बी पहले आता है तो इसीलिए मैं यहाँ पर बी को ही ब्रोमो को पहले लिखूँगा उसके बाद सी को लिखूँगा देर आर नॉट काउंटिंग इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर काउंट नहीं किए जाते हैं ये इसने बोला है यहाँ पर दूसरी चीज़ अगर मुझे नंबर्स को सेपरेट करना है तो मैं कॉमा वर्ड का यूज़ करता हूँ जबकि अगर मैं डैस का यूज़ करूँगा तो वहाँ पर अल्फ़ाबेट और नंबर होने चाहिए ठीक है फोर टू और मोर सिमिलर साइड चेन वी कैन यूज प्री मतलब प्रीफिक्स से, प्रीफिक्स प्रीप्रीफिक्स आपका जैसे क्लोरो हो गया उससे भी पहले प्री बोलते हैं पहले को जैसे डाई क्लोरो हो गया ट्राई क्लोरो हो गया टेट्रा क्लोरो हो गया पेंटा क्लोरो हो गया हेक्सा क्लोरो हो गया ठीक है इस टाइप से अगर सेम टाइप की जैसे बोला गया है यहाँ पर कि मेरे पास सिक्स कार्बन है लाइक एक एग्जाम्पल हम ले, ले लेते हैं अपना ऐसा एग्जाम्पल लिया हमने कुछ सी एच यहाँ पर सी एल हो गया इधर की साइड आपका सी एच हो गया यहाँ पर हम टांग देते हैं बी आर इधर की साइड से मैंने सी एच टू यहाँ पर सी एच यहाँ पर सी एल आगे कंटिन्यू किया सी एस टू सी एस टू और यहाँ पर सी एच थ्री बोल लिया ठीक है सबसे पहला काम अपना क्या होगा पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना तो पेरेंट चेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एवन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नंबरिंग कहाँ से लेफ्ट या राइट अच्छा अगर आप लेफ़्ट से करते हो तो इस कंपाउंड को देख ही लेते हैं आपके लिए मैं बता ही दूँ कंप्लीट सभी चीज़ों को पहला काम आपका पेरेंट चेन का सिलेक्ट करने का है तो पेरेंट चेन आप कहाँ से सेलेक्ट करोगे लेफ्ट से राइट right से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इधर की साइड से करोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट ये हो गया अगर आप इधर की साइड से करोगे तो मेरे को पता चलेगा कि वन टू थ्री फोर इधर की साइड से जो साइड सेन आ रही है वो आपकी दूसरी पर आ रही है तीसरी पर आ रही है पाँचवीं पर आ रही है इधर की साइड से करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छ सात एक आठ जब पहला ही नंबर यहाँ पर फोर आ रहा है तो पहले फोर पर आ रही है फिक्स सिक्स पर आ रही है फिर सेवन पर आ रही है दो सौ पैंतीस आपका सही सिलेक्शन होगा या आपका रॉन्ग होगा क्योंकि लोवेस्ट नंबर ही आपका क्या होता है सिलेक्शन होता है ठीक है इसको रेड कर देते हैं ऐसे 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 राइट सिलेक्शन कौन सा है जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है अब नंबरिंग कर ली है मैंने पेरेंट्स चेन के बाद अब अपन नेमिंग करते हैं नेमिंग देखो पहले हम प्रेफिक्स लेते हैं और प्रेफिक्स के रूप में कौन काम कर रहा है यहाँ पर क्लोरो ब्रोमो और कुछ नहीं तो देखो ब्रोमो का बी पहले आता है तो तीन के बाद डैस लगाया क्योंकि नंबर आएगा उसके बाद सॉरी अल्फ़ाबेट आएगा अल्फ़ाबेट कौन सा ब्रोमो तो तीन पर पे तो आपका ब्रोमो उसके बाद डैस लगाया दो क्लोरीन है एक तो ये और दूसरा ये एक तो है दूसरे पर और दूसरा कितने पर है पाँच पर क्लोरीन है एक से ज़्यादा है सिमिलर चेन है तो यहाँ पर बिल्कुल मेंशन है कि आपको कौन सा वर्ड यूज करना है डाई कौन सा वर्ड यूज करना है डाई तो यहाँ पर क्या बोलूँगा अपन डैश लगाए उसके बाद डाई क्लोरो बोल दिया साइड चेन और कोई इनमे वर्सरी है ना उसके बाद हम बोलेंगे वर्ड रूट वर्ड रूट कितने हैं आपके ऑक्ट आठ सिंगल बोन्ड सभी में है तो एल्केन तो इसीलिए हम क्या बन गया थ्री ब्रोमो टू फाइव डाई क्लोरो ऑक्टेन अब यहाँ पे जो डी है आपका डी से बी को कंपेयर मत करना कभी आप बोलने लग जाओ कि अगर गलती से यहाँ पे डाई ब्रोमो होता तो डाई को डाई है जो आपका प्री प्रिप्रीफिक्सिस ऑफ ब्रोमो अगर होता तो उसको इससे कंपेयर मत कर लेना क्लोरो को क्लोरो को आगे ले आओ और डाई ब्रोमो को पीछे ले जाओ तो आपको बी और सी ही कंपेयर करना है ना कि प्रिप्रिफिक्सिस ये बिल्कुल मैंसन कर रखा मैंने आपका इसके अंदर बिल्कुल कि वी नॉट वी आर नॉट यूज़ काउंटिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सॉरी कहाँ पर अरे कहाँ पे मुन्ना कहाँ पे था चलो नहीं था <laughs> नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये बेसिक्स सब जो आपको यहाँ पर देखने को मिला उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने बहुत सारी चीज़ें सीख ली होंगी अब कंपाउंड्स के टू दौड़ते हैं कंपाउंड पहला जो कंपाउंड लेके चल रहा हूं मैं एग्जांपल। बताते चलना अब आप खाली ठीक है अच्छा भी नहीं लग रहा ये तो अच्छा मैंने बोला सी एच टू सी एच टू आगे कंटिन्यू किया सी एच आगे कंटिन्यू किया सी एल नीचे की साइड भी सीएल लटका दिया इधर की साइड में लटका दिया ब्रोमीन अच्छा जी इसका नाम क्या बनेगा एक बार ट्राई कीजिए आप फिर हम बताएंगे आपको इसका नाम क्या बनेगा इसका नाम क्या बनेगा इसका नाम रवि सोहन मोहन तो बनेगा नहीं वो तो भाई पी ए सी में होता ही नहीं है ना हाँ तो बताइए इसका नाम क्या बनेगा जनाब सबसे पहला था हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करना वो तो दिख रही होगी आपको पेरेंट चेन यहाँ पर एक ही है वो कौन सी है दो कार्बन की दिख गई नंबरिंग लेफ्ट या राइट right, आप बोलोगे सर इधर की साइड से कर रहे हैं तब भी आपका ये आ रहा इधर के साइड से कर रहे हैं तब भी वही आ रहा जी नहीं लोक एंड सेट बनाना है लोकेंड सेट में बनाऊंगा तो अगर मैं राइट से लेफ्ट जाऊंगा ऐसे एक दो तो वन पे आ रही है फिर वन पे आ रही है फिर टू प्यारी एक सौ बारह बना आपका इधर की साइड से करेंगे तो एक फिर दो प्यारी है, फिर दो प्यारी है। तो एक सौ बारह ज़्यादा या फिर एक सौ एक सौ बारह ज़्यादा या फिर एक सौ बाईस एक सौ बाईस ज़्यादा तो ये रॉन्ग सिलेक्शन ये राइट सिलेक्शन ठीक है सिलेक्शन की बात आ गई अब उसके बाद हमें करना है नाम लिखना है नाम कैसे लिखेंगे भैया नाम लिखेंगे पहले साइड से इनका एक क्लोरो ये दूसरा क्लोरो ये तो पहले किसका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमो का तो टू पर है आपका कौन ब्रोमो उसके बाद आपका वन कॉमो वन डाई उसके बाद क्या जोड़ना मुझे यहाँ पर ईथेन क्योंकि कितने कार्बन हैं दो कार्बन हैं तो मेरे पास नाम क्या बन गया टू ब्रोमो वन वन डाई क्लोरो ईथेन यहाँ पर जो ये चीज़ है आपका ये सभी चीज़ क्या है प्रेफिक्स के रूप में काम कर रही है प्रेफिक्स के रूप में और यहाँ पर ये इथेन क्या है आपका ईथ वर्ड रूट है और इन क्या है आपका वन डिग्री सफिक्स है ठीक है ये तो आप जानते होंगे क्यों इसको बताऊँ आपके लिए इतना ही तो आप शायद होशियार ही होंगे ठीक है एक कंपाउंड ये हो गया दूसरा कंपाउंड जोड़ें जोड़ें ठीक है अब दूसरे कंपाउंड भैया आप बताना है आपको ही बताना है सब कुछ मैं तो आपके लिए ट्राई करा रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ बाकी आपको ही करनी है ये मेरी इसमें कोई भी योग्यता नहीं कि मैं बस आपको मेंटरशिप कर रहा हूँ और कुछ नहीं तो देखो भैया अब दूसरा कंपाउंड सी एस थ्री सॉरी सी एस टू मान के चलो इसे सी एस टू मान लिया ऊपर मैंने लगा दिया क्लोरीन इधर की साइड मैंने सी एस लगाया इधर की साइड मैंने लगाया ब्रोमीन और इधर की साइड में लगाया ब्रोमीन, ठीक है लगा दिया इसको अपन ऐसे कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए दिख गया ठीक है इसको भी कर देते हैं बॉन्ड को अगर आपकी इच्छा कर रही हो इसको भी कर देते हैं अपन तो भैया मेरे को पता चला कि नंबरिंग यहाँ से वन एंड टू कर ले नंबरिंग तो आप कैसे बोलोगे हाँ जी ब्रोमो का टाई कम्पेयर मत कर देना तो कैसे बोलोगे वन कोमा वन डाई ब्रोमो उसके बाद डेस लगाया टू के बाद यहाँ पर क्लोरो और उसके बाद यहाँ पर इथेन हम बन गया वन वन डाई ब्रोमो टू इथेन ठीक है तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा ओके तो आज की क्लास को हम यहाँ पे समाप्त नहीं कर रहे हैं अभी कभी तुम सोच रहे होगी सर समाप्त कर देंगे बिल्कुल भी नहीं अभी तो तुमको छोड़ने का बिल्कुल भी नहीं है और कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी कंसिडर कराते हैं आपसे आप कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा तो इसको अपन डिलीट कर दें यहाँ से और दूसरा कंपाउंड लेते हैं कुछ इस कलर में सबसे फेवरेट कलर है मेरा इसको अपन घुमा देते हैं मुंडी बारा ये तीन चीजें आपको